हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुसुम। मेरे किचन में आपका वेलकम है। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हो गई हूं, तो चलिए स्टार्ट करती हूं। आज मैं आप लोग के साथ आटा नूडल्स की रेसिपी लेके आई हूं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और सभी को ये पसंद आती है। तो मैं इस आटे में, गेहूं के आटे हैं, मैं इसमें नमक और घी डाल दी हूं 2 चम्मच, और मैं इसे थोड़ा सा टाइट गूँथ लूँगी। गूँथने के बाद मैं इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दी हूं और ये सेट हो जाएगा। फिर मैं एक बड़ी सी रोटी बना लेती हूं और ये पतली सी रोटी बनाऊंगी। मैं पतली सी रोटी बना के और इसे पतले पतले पीसेस में काट कर लेती हूँ। इस तरह से कट कर लूँगी मैं। इसी तरह से सारे मैं बेल लूँगी। बेलने के बाद मैं इसे कट कर लूँगी। एक तरफ मैं पानी भी चढ़ा दी हूँ, पानी भी बॉयल होगा, और दूसरे तरफ मैं नूडल्स को भी कट कर रही हूँ। तो जब भी नूडल्स एक दूसरे पे रखें तो आटा छिड़क जरूर दें, नहीं तो एक दूसरे में ये सट जाएगा। देखिए पानी में बॉयल आ गया है, तो इसमें 1 चम्मच मैं देसी घी डाल दी हूँ और थोड़ा सा मैं नमक भी डाली हूँ। और इसमें बॉयल आने के बाद मैं सारे नूडल्स को इसमें डाल दूँगी। अब इसको मैं 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी। पकाने के बाद मैं इसे एक छन्नी में छान लूंगी। इस तरह से सबको मैं छान लूंगी। छानने के बाद मैं इसे ठंडे पानी से फिर मैं 1-2 बार वॉश कर लूंगी। अब मैं इसमें बटर डाल दी हूँ। ये बटर घर का ही बटर है बना हुआ, तो इसको मैं डाल दी हूँ। इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ। प्याज डालने के बाद मैं शिमला मिर्च थोड़ा सा भी, मैं हाई फ्लेम पे इसको मैं सबको भूनूंगी और करंची ही भूनूंगी, इसलिए हाई फ्लेम पे, और हरी मिर्च और ये गाजर, तीनों को मैं भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें सोया सॉस 2 चम्मच डाली हूँ, 1 चम्मच विनीगर, और ये टमेटो केचप या टमेटो सॉस को एक डाल सकते हैं या दोनों डाल सकते हैं, आपको जैसी मर्जी। दोनों ही की टेस्ट अच्छी लगती है। ये ग्रीन चिली है। सबको मैं डाल के इसे भी मैं फ्राई कर ली हूँ अच्छे से, और मैं उसमें अब नूडल्स को डाल देती हूँ। नूडल्स डालने के बाद इसे कम से कम हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक ज़रूर भूनें, तब जाके इसके अंदर सारे फ्लेवर अच्छे से आ जाएंगे। अच्छे से नीचे से ऊपर तक अच्छे से इसे भूनना है आपको। यदि नहीं इस तरह से एक कलछी से हो रहा है तो 2 हाथ में ले लें और इसे अच्छे से भूने। भूनने के बाद मैं इसमें हरी धनिया डाल दी हूँ। देखिए ये बनके तैयार हो गया है, कितना ये टेस्टी देखने में ही लग रहा है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं।